बात की जाए तो ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं है, ये बाहर कोई चाइनीज वगैरह लिखी हुई है जो तुमने समझ नहीं आ रही बाहर की है। बस ये आपको मिलेगा 300 का। और ये जो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप करती हूँ सब लोग भी ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो अच्छा जी, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी क्रीम जो कि स्किन वाइटनिंग क्रीम है। इसे लगाते ही आपका चेहरा दो दिन में इतना ज़्यादा वाइट होने वाला है। और ये जो क्रीम है आप इसे बहुत सी चीज़ों में यूज़ भी कर सकते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगी। ये बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी आपने इसे किस तरह यूज़ करना है और आपने इसे किस तरह लगाना है। तो आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन में प्रेस करना तो बिल्कुल ही नहीं भूले। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ, आप मेरे लिए भी किया करें। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करें और उसके सदके मुझे भी कामयाब करें। तो अभी हम चलते हैं अपनी क्रीम की तरफ। तो जनाब, आपको सिर्फ और सिर्फ दो क्रीम्स लेनी है। सबसे पहले लेनी है ग्लो पर टोन और दूसरी लेनी है होम्यो क्योर की ये क्रीम। तो ये वाला जो इसकी ये वाली क्रीम है और ये वाली क्रीम है, आपने इन दोनों को करना है मिक्स और इसे लगाना है अपने फेस पे और ये आपकी स्किन पर इतनी ज़्यादा शाइन लेने वाली है और आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा निखार आने वाला है। ये जो क्रीम है आपको सिर्फ और सिर्फ दो दिन में इंस्टेंट ग्लो देगी, इंस्टेंट रिजल्ट देगी और 100% देगी। और ये आपकी एक्ने के लिए, डार्क स्पॉट के लिए, पिंपल्स के लिए और आपके नकल्स के लिए और उसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ है हैंड फीट के लिए और पूरी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा A1 क्रीम है। आप इसे सेपरेट लगाना चाहें तो सेपरेट भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको इसके अंदर मिक्स करके लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर 120 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं आपके फेस के लिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है इसका। मैं ये पहले यूज़ कर चुकी हूँ तो मैंने सोचा कि उन्हें आपके साथ शेयर किया जाए। तो अच्छा जी, इसे आप स्किन पॉलिश के अंदर मिक्स कर सकते हैं, इसे ब्लीच के अंदर मिक्स कर सकते हैं, इसे आप स्क्रब के अंदर और उसके अलावा जो आप मसाज कर लेते हैं उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और इसे आप मास्क में भी लगा सकते हैं। तो आपने इसकी क्वांटिटी किस तरह लेनी है, अगर आपके पास 1 टेबल स्पून आपका ये वाला लोशन होगा तो आपको 1 टेबल स्पून ही स्किन पॉलिश लेनी होगी। अगर 2 आपको जितनी ज़रूरत है 2 टेबल स्पून इसके लेंगे, 2 उसके लेंगे। आपने ये नहीं कि इसे पूरा डाल देना है और उसको इस तरह लेना, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपने बिल्कुल इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, आपको जब लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जितना आप ये लेंगे उतना ही। अच्छा जी, ये जो क्रीम है इसके अंदर मेरे ख्याल में 2 टेबल स्पून होते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो अभी इसे बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। और आपने मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर इतने ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं कि आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा निखार आने वाला है। और अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं है, ये बाहर कोई चाइनीज़ वगैरह लिखी हुई है जो कि मुझे समझ नहीं आ रही बाहर की है। वैसे तो इधर इंग्लिश लिखी हुई है, उन्होंने बताया हुआ है कि आपको ये इस चीज़ के लिए, मतलब उसके फवाद सारे बताए हुए हैं कि इसके अंदर ये मिक्स हुआ हुआ है। तो ये है मेरे ख्याल में बाहर किसी चाइना की या इसी बाहर के मुल्क की ये क्रीम है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रीम है। आप इसे यूज़ करें और आप जैसे यूज़ करेंगे तो आप वाकई में कहेंगे इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो जनाब, अभी मैं इसका आपको टेक्सचर चेक कराती हूँ कि किस तरह है इसका टेक्सचर। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट बिल्कुल लोशन की तरह है। अगर इसकी खुशबू की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लोशन की तरह इसका टेक्सचर होगा। और मैं आपको होम्यो क्रीम का भी दिखाती चलूँ टेक्सचर किस तरह है। ये देखेंगे बिल्कुल अभी मैं न्यू इसकी सील ओपन कर रही हूँ, इसकी भी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी है पर थोड़ी सी जैसे मेडिसिन की नहीं होती उस तरह आ रही है। और आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी ऑयली है, इसके अंदर चिपचिपाहट है। तो अभी हम इसे बनाते हैं अपनी नाइट क्रीम, डे क्रीम। आप इसे डे में भी लगा सकते हैं, नाइट में भी लगा सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपनी क्रीम की तरफ। तो जनाब, आपको हमेशा की तरह एक बाउल चाहिए और उसके अंदर सबसे पहले मैं लूँगी ये ग्लो पर टोन का वाइटनिंग लोशन ले रही हूँ। तो मैं ये ले रही हूँ
टू टेबल स्पून लूँगी, वन और ये टू। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो आपका ग्लूपरटोन का लोशन है ये आपको मिलेगा 300 का, और ये जो क्रीम है ये आपको मिलेगी 350 की, या पता नहीं ये 350 का या 300, टोटल आपके 650 की ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। मैंने आपको प्राइस भी बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आपको लेनी है ये क्रीम और इसे हम करेंगे इसके अंदर मिक्स। आप देख सकते हैं ये टू टेबल स्पून ही मुश्किल से हो रही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कम क्रीम दी हुई है। ये देखें, टू टेबल स्पून ही है, क्योंकि ये पहले मैं बना चुकी हूँ तो इसलिए मुझे अंदाज़ा था कि इसके अंदर से कितनी निकलेगी। तो अच्छा जी जनाब, आपने इसे अच्छे से कर देना है इन दोनों चीज़ों को मिक्स। यार इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है, और बहुत ही ज़्यादा ये क्रीम अच्छी बनेगी। और आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना है। तो मेरी क्रीम बनके बिल्कुल रेडी हो गई, मैंने आपको बनाने का तरीका भी बता दिया और इसके फायदे भी बता दिए, सब कुछ बता दिया। तो चलें इसे हम अभी फेस पे लगाते हैं, क्या किस तरह से लगानी है आपकी मर्ज़ी। अगर हाथ पे इस तरह लगाएं और पूरे फेस पे मसाज कर लें, वरना आपने इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से मतलब पूरे फेस पे अच्छे से इसे अप्लाई करना है, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है और नज़र बिल्कुल भी नहीं आती। आप इसे दिन में भी लगाएं, रात में भी लगाएं, गर्दन पे भी लाजमी लगाएं, ताकि हमारा जो बूथा है, मुंह है, वो बिल्कुल वाइट और गर्दन ब्लैक हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप देखें, ये देखें मेरी स्किन पे ना शाइन आ गया इसको क्रीम को लगाते हुए। तो बाकी ये मैं अब थोड़ी सी लूँगी, अब इसे करूँगी हाथ पे अप्लाई। इसे आपने इस तरह से अप्लाई करनी है अपने हाथों पे। तो आप ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, इस हाथ पे मैंने लगे, ये यहाँ से इधर तक ये वाइट हो गया और यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक लग रहा है इसमें और इसमें फ़र्क। ये ज़्यादा वाइट लग रहा है और ये थोड़ा सा ब्लैक लग रहा है। ग्लो देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा आया। होप करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।